मटेरियल हम समझते हैं बेटा, मटेरियल हमारे पास मेनली जो हम पढ़ेंगे वो दो तरह के मटेरियल पढ़ेंगे, कौन से? एक होगा डक्टाइल और दूसरा होगा ब्रिटल, दूसरा होगा ब्रिटल। देखो डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएं, जब हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो अपनी डायमेंशन को चेंज कर ले, ठीक है, तो क्या होता है, द मटेरियल मटेरियल विच कैन बी बाय अप्लाइंग फोर्स, चेंज मतलब चेंज इन डायमेंशन, चेंज किसकी करनी है, डायमेंशन की, डायमेंशन उसकी चेंज हो जाए और वो टूटे ना, विदाउट रप्चर, मतलब बिना टूटे, बिना कोई उसमें क्रैक आए और वो खिंच जाए, जैसे कि कैसे, स्टील, जैसे कि हमारे पास जो है स्टील है, स्टील की सबसे अच्छी एग्जांपल आपको देखने को मिलती है स्टील, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, तो आप दिमाग में रखो एक बार, ठीक है, कॉपर क्यों, क्योंकि कॉपर की वायर आप देखिए कैसे खींचते हो और खिंच जाती है, कभी तो ऐसे खींचते रहते हैं वायर ना, ऐसे खींचते हैं और वो उसको एक छोटे होल में से निकालते हैं, उसकी डायमीटर कम होता रहता है और उसकी लेंथ बढ़ती रहती है, हो गई डायमीटर कम हो गया, ठीक है, तो लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज इंक्रीज, और डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज, डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज, ओके डिक्रीज, तो ये क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और वो कौन सी हो गई, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि फोर्स हमने उसी डायरेक्शन में लगाया था, लेंथ बढ़ाने वाली डायरेक्शन में लगाया था, हमने लगाया था यहां पर, हमने लगाया था यहां पर, इसलिए इसकी लेंथ जो है इस तरह चेंज, तो ये कौन सा है मटेरियल, फिर ये है डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ये बड़े अच्छे मटेरियल होते हैं डक्टाइल मटेरियल, क्यों, क्योंकि ये टूटने से पहले वार्निंग देते हैं कि भाई मैं टूटने वाला हूं, अभी भी रुक जा, अभी भी रुक जा, नहीं तो भाई टूटूंगा मैं, देख ले, रब आपके पास होता है ना, वो रबड़ बैंड होता है, रबड़ होता है, रबड़ आप खींचते हो ना कितनी बार, आप देखो रबड़ बैंड का बड़ा मजा आता है इसको खींचने का, आप क्या करोगे, जी सरस्वती मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, देखो रबर लो, एक रबड़ बैंड लो, इसको खींचो, खींचते रहो, खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, जब उसकी लिमिट आएगी ना, आपके दिमाग को पता लग जाएगा कि ये लिमिट आ गई भाई इसके टूटने की, पहले खींच जाता है, पहले खींच जाएगा, लेकिन अगर खींच रहा है लेकिन एक लिमिट आई उसके बाद कहेगा भाई टूटने वाला है ये, तो टाइम तो दे दिया ना उसने टूटने में, टाइम लगा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो मटेरियल होता है, दूसरी तरफ हमारे पास जो मटेरियल होता है जो कि टाइम ही नहीं देता, वो टाइम नहीं देता, वो अगर आप उसको खींचोगे तो सीधा क्रैक टूट जाएगा, जैसे कि कांच का गिलास, कांच के गिलास को कभी सोचा है कि कांच का गिलास पड़ा है यार ये छोटा है इसमें कोक कम आएगी, पकड़ के इसको खींच खींच के बड़ा कर लेता हूं, कर सकते हो, नहीं कर सकते, पकड़ के खींचो टक वहीं आ जाएगी टूट जाएगी, ठीक है, द मटेरियल, तो इसको लिखेंगे द मटेरियल विच, द मटेरियल विच रप्चर, टूट जाते हैं, टूट इसमें क्रैक आ जाते हैं, रप्चर ऑन अप्लाइंग लोड या फोर्स, फोर्स अप्लाई करोगे तो भाई गया वो, तो लाइक कौन सा, जैसे कि ग्लास, ठीक है ग्लास, या इसको ग्लास कह लो, जो भी कह लो, ग्लास कह लो, एक कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन सबसे बड़ी एग्जांपल होती है इसकी, कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है,
अगर आप इसको खींचोगे तो टूट जाएगा, वो उसमें कोई दम नहीं है कि भाई रुको 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 मैं पहले लेंथ बढ़ाऊंगा फिर इतनी आएगी फिर इतना, ना 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 मेरे भाई, खींचोगे दबाओगे टूट गया बस सीधा। इसमें बड़ा टाइम लगता है। और इस तरह की मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये देखो ये मटेरियल है लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, वो है इलास्टिसिटी। इसके अंदर ये कारण क्या है, ये डक्टाइल मटेरियल जो बना उसके कारण ये है, क्या है इसके अंदर, इलास्टिसिटी है। इसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, वही कि फोर्स लगाने पे जो जो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाए और फोर्स छोड़े तो वो वापस अपनी डायमेंशन को वापस रीगेन कर ले, ठीक है। और यही एक प्रॉपर्टी होती थी हमारे टाइम में ना, हमें जो समझ आई थी हमारे टाइम में, हमें यही समझ आई थी बस, क्योंकि हमें ये रबड़ का पता होता था कि भाई फोर्स लगाया खींचेगा छोड़ना वापस आ गया, वाह क्या बात है, चलो बस इतना सा समझ आई। ये डक्टाइल तो ब्रिटल था, रामजादे कभी समझ ही नहीं आए थे, समझ पता ही नहीं था, बाद में धीरे धीरे पता लगा अच्छा अच्छा ये भी होता है वो भी होता है। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, अभी तक रट्टा मार रखा है इसका मैंने ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, ऑफ मटीरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण, वर्च्यू ऑफ विच विच अ मटीरियल, मटीरियल चेंज इट्स डायमेंशन, डायमेंशन ऑन अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स, फोर्स एंड रीगेन, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, शेप एंड साइज when when we remove, when we remove force, load या force हम जब उसके ऊपर से हटा देते हैं तो वो वापिस हमने, तो ये property है, ये याद रखे, ये क्या है property, उसकी खासियत है property, okay, ये इसकी property है, इस property के कारण ductile material है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये मटेरियल है, ये प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल खतरनाक है, तो इसको आप लिख दोगे क्या, ये खतरनाक मटेरियल है, ये खतरनाक होते हैं, खतरनाक, खतरनाक का मतलब डेंजरस, इंग्लिश में लिखे तो डेंजरस, ठीक है, डेंजरस है, ठीक है, डी ए डेंजरस है, तो ये डेंजरस हो गए, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये टाइम नहीं देते, ये समय नहीं देते, ये आपको समझने का मौका नहीं देते, सीधा कड़क दूधा चलो मर गए लोग, चलो इसमें टाइम मिलता है। जितने भी आप देखोगे ना मूवीज में एक्सीडेंट दिखाते हैं या ब्रिज टूटते हुए दिखाएंगे कि धीरे धीरे वो गया 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 जाने वाला है, टूटने वाला है, टूटने वाला है, ये तो गया गया आप इसके ऊपर लोड बढ़ रहा है ये टूटने वाला है, वो सारे डक्टाइल मटेरियल के एग्जांपल होती है। ब्रिटल नहीं टाइम देता, ब्रिटल गया हाँ ये क्या हो गया अचानक से टूट गया, तो ये खतरनाक है, ये अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, हर जगह पे एक ही चीज यूज नहीं हो सकती, कहीं पे हमें ये यूज करना, कहीं अगर स्प्रिंग बनाना है, स्प्रिंग बनाना है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, तो लाइक हमें क्या बनाना है, स्प्रिंग बनाना है तो इसको डक्टाइल ही मटेरियल यूज करना पड़ेगा, आपको वायर्स बनानी है तो आपको यही मटेरियल यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीजें जहां पर डैम्पिंग कैपेसिटी चाहिए, कास्ट आयरन जैसे है, कास्ट आयरन के बेस बनते हैं बड़े बड़े, है ना, कि ऊपर ऊपर झटका लग रहा है उसके ऊपर फोर्स जो है वो सहन कर लेता है, लेकिन इसको अगर आप खींचोगे तो कंप्रेस करोगे शीयर करोगे ये नहीं बदला, ये सीधा टूट जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है बेटा, चलो ठीक है, और कल दोबारा मिलते हैं, कल दोबारा आगे चलेंगे और आगे हम और भी चौक चौक करेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हो,
ठीक है, और चीजों को धीरे 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 समझते रहिए। और मैं एक बात कहूंगा, मटेरियल साइंस मैंने करवा रखा है, मटेरियल साइंस जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपके पास समय है, शाम को समय है, तो आप जी आप क्या है उस मटेरियल को, सॉरी मटेरियल साइंस को जरूर करें। सरस्वती, ब्रिटल में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी सर? नहीं, देखिए देखो मैं आगे अभी समझा देता हूं, चलो टाइम है मेरे पास, ठीक है। इसमें ब्रिटल में ब्रिटलनेस होती है, तो ब्रिटल में जैसे, ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल मटेरियल में, वो होती है इसमें प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस की। इसमें कलर यूज करें, ये वाला देख लेते हैं, तो इसमें यू होगा, वो होगा ब्रिटलनेस, ठीक है, तो वो होगा ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या है? वो प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी चीज को खींचा नहीं जा सकता और वो अचानक से टूट जाती है, तो ये ब्रिटलनेस होती है। इलास्टिसिटी इसमें होती है, इसमें ब्रिटलनेस होती है, ठीक है बेटा। तो प्लास्टिसिटी अलग चीज है, होती डक्टाइल में ही है, होती डक्टाइल में ही है, लेकिन प्लास्टिसिटी अलग चीज है, ठीक है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में समझा दूंगा। प्लास्टिसिटी अलग चीज है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी अलग बेटा, तो उसमें ब्रिटलनेस होती है ब्रिटल में। चलो ठीक है मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलते हैं।